Now, in this video, I am talking about the important latitude on Earth. तो इसमें हम important latitude की बात कर रहे हैं. तो the equator is the natural starting point for measuring the latitude or distance of north and south of the globe. The latitude of a place is therefore the distance of the place north or south of the equator. तो equator main latitude है equator. अब equator देखिए 0 degree में, 0 degree जहाँ पर आप देख सकते हो वो है main line, that is equator. It divide the earth almost 2 halves. ये पृथ्वी को, अर्थ को करीब करीब हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं. नॉर्थ पोल टूअर्ड्स नॉर्थ पोल वी आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड टूअर्ड्स द साउथ पोल वी आर टॉकिंग इट अबाउट द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो पोल तो आप जानते ही हो, आपको दिखाई पड़ रहा है 90 degree नॉर्थ नॉर्थ पोल एंड 90 degree साउथ, दैट इज साउथ पोल. तो इक्वेटर के अबव पोर्शन जो नॉर्थ पोल के पास है वो नॉर्दर्न हेमोस्फियर कहा जाता है, और जो साउथ पोल के पास है दैट इज कॉल्ड साउथर्न हेमोस्फियर. अब हम आते हैं कि मेन जो लैटिट्यूड है 23.5 degree नॉर्थर्न हेमोस्फियर में जो लैटिट्यूड आपको दिखाई पड़ रहा है 23.5 degree ऑफ नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट मार्क्स इट लिमिट ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द अर्थ एंड स्पेशली ड्यूरिंग द June 21st. अब इसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लैटिट्यूड 66.5 degree ऑफ नॉर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर. पैरेलल टू द इक्वेटर 66 degree नॉर्थ, दैट मीन्स नियर टू द नॉर्थ पोल, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्किल. अब हम आ जाते हैं साउथर्न हेमोस्फियर की तरफ. साउथर्न हेमोस्फियर मीन्स नियर टू द साउथ पोल एंड बिलो द, इन द पिक्चर बिलो टू द इक्वेटर. इक्वेटर के बिलो जो आप पिक्चर में देख रहे हो दैट इज द साउथर्न पोर्शन नियर टू द साउथर्न पोल, दैट इज 90 degree ऑफ साउथ. अब हम बात करते हैं 23.5 degree साउथ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. लाइक द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज द लाइन ऑल्सो मार्क्ड द लिमिट ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर द सन रेज फॉल वर्टिकली. अब जहाँ पर सूरज की रोशनी मैक्सिमम आ सकता है तो ये इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नाउ गो टू द 66.5 degree ऑफ द साउथ, द पैरेलल टू द इक्वेटर. अब पैरेलल टू द इक्वेटर में हमें दिखाई क्या पड़ता है 66.5 degree साउथर्न साउथ में, दैट मीन्स साउथर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज कॉल्ड एंटार्कटिक सर्किल. और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो समर होता है, समर ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर इज December 21st. अब यहाँ पर देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में
समर कब होता है? दैट इज 21st of December. एनीवेयर नाउ द क्लाइमेटिक जोन. वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 5 zones ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव फ्रॉम द सन. तो जिस हिसाब से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है उसी हिसाब से हम अर्थ को 5 types of climatic zones में डिवाइड करते हैं. तो ये जो क्लाइमेटिक जोन है वो क्लाइमेटिक जोन में फर्स्ट आ जाता है तोरित जोन. तोरित जोन कहाँ है? दैट इज स्टेचेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 degrees north एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees south. इट इज डिवाइडेड बाय द इक्वेटर इनटू नॉर्थ तोरित जोन एंड साउथ तोरित जोन. अगर हम इक्वेटर के दोनों साइड में देखें तो 23.5 degrees जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हो गया नॉर्दर्न नॉर्थ ट्रॉपिक जोन, एंड साउथ में देखें तो 23.5 degrees south ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ तक हमें तोरित जोन मिल जाता है. हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन. अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इक्वेटर के हिसाब से आधा से ज़्यादा इंडिया जो है वो तोरित जोन में ही आ जाते हैं. अब आते हैं टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन में दो तरह का होता है टेम्परेट जोन. एक होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन. तो नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल, दैट इज 66.5 degrees north एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल जो है उसके बीच का जो पोर्शन है वो आता है टेम्परेट जोन में. जस्ट लाइक दैट द साउथ में देखिए एंटार्कटिक सर्कल, दैट मीन 66.5 degrees south टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 degrees south lies between the temperate zone. The Tropic of Capricorn or the Arctic Circle इसके बीच आ जाता है, सॉरी Antarctic Circle that is 66.5 degrees south. Tropic of Capricorn और एंटार्कटिक सर्किल के बीच जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट जोन. अब आ जाते हैं हम फ्रिजिड जोन. तो फ्रिजिड जोन को भी हम 2 parts में डिवाइड कर सकते हैं. 1 part दैट इज द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्किल के बीच जो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिजिड जोन. द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन एंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल. साउथ पोल एंड एंटार्कटिक सर्किल के बीच जो पोर्शन आता है उस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रिजिड जोन. इट इज ऑल्सो वेरी कोल्ड. आप मैप पे देख सकते हो कि कोल्ड को फ्रिजिड कहा जा रहा है. बीच में जो जोन आता है दैट इज टेम्परेट जोन और इक्वेटर के दोनों साइड दैट इज कॉल्ड टोरिड जोन.